Good morning, guys. बोलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग. आई एम खुशी. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई होप आप सब बढ़िया होंगे. तो चल रहे फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ. तो देख सकते हो आप कैसे देख रहे हैं मेरे पे. देखो ये देखो कैसे देख रहे हैं मेरे पे. क्या देख रहे हैं काना? काना क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं काना? काना क्या देख रहे हैं आप? ओह माय गॉड, इसने फोन नीचे गिरा दिया था एकदम से. देखो देखो कैसे कर रहे हैं. चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना भी चले गया है. अभी हम करते हैं नाश्ता. और आज नाश्ते मम्मी ने बनाया है पहाड़ी हलवा. और कमेंट कीजिए कि जिसको हम कढ़ाई पे घुमाते हैं उसको क्या बोलते हैं गढ़वाली में, तो मेरे को कमेंट में बताइए आप लोग. और चलिए मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं वीडियो में दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हूँ. पर उस टाइम तक मैं उठी नहीं थी और मम्मी ने सुबह ही बना लिया, क्योंकि भाई को भी स्कूल जाना था, इसलिए उसको नाश्ते में आज वही दे दिया हलवा खाने के लिए. तो चलिए अभी मैं भी खाती हूँ इसको, देखते हैं कैसे हो रहा है. आपको भी बताती हूँ टेस्ट करके अपना एक्सपीरियंस. देखिए कितना टेस्टी लग रहा है. पहाड़ों में इसको प्रसाद भी बोलते हैं और हलवा तो बोलते हैं, हलवा तो बाहर वाले बोलते हैं और पहाड़ों में तो प्रसाद बोलते हैं इसको. गुलतिया भी बोलते हैं, गुलतिया ही बोलते हैं ना, प्रसाद नहीं बोलते हैं. हाँ जो भी है, पर प्रसाद कोई कोई तो प्रसाद बोलता है, कोई गुलतिया बोलता है. तो देख सकते हो आप पहाड़ों का पौष्टिक खाना. तो देख सकते हो आप अच्छी लग रहा है. और मैं इसको खाऊंगी चाय के साथ. तो गांव में या उत्तराखंड में सब चाय के साथ ही खाते हैं. चाय सुबह हो चाय रात को बनाए, चाय के साथ बहुत टेस्टी होता है ये खाने में. और अगर आपको भी खाना हो तो अगर आप इसकी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में. और चलिए मैं तो करती हूँ, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है. मैं तो खाती हूँ इसको, फिर मिलती हूँ आपको आगे वीडियो में. फ्रेंड्स अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी गर्मी से इतनी बुरी हालत हो रही है कि बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी नहीं. और जाए भी कैसे, अंदर तक तो धूप ही आ रखी है. और अभी 5 बजे भी इतनी ज़्यादा धूप लगी है यहाँ कि 6 बजे तक बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेना है यहाँ. तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, अंदर ही तक लगी हुई है धूप. तो आप यहाँ अंदर तक धूप लगी हुई है बहुत ज़्यादा. अंदर तक तो बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, बाहर जाने का तो मन भी नहीं कर रहे हैं. अंदर के मनी प्लांट और ये है एलोवेरा का, एलोवेरा लगाया हुआ है यहाँ पे. कोई नहीं, इनको भी सनलाइट की एनर्जी मिलनी चाहिए, ज़रूरी है क्यों. तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ. अभी शाम के बज रही है 6 और मेरे साथ है यहाँ पे एक गुन्नू है. यहाँ पे गुन्नू है और वहाँ पे आराध्या. तो चलिए इनके साथ मस्ती करते हैं थोड़ा बहुत. तो दोनों तो नीचे चले गए अभी. और अभी तो देख सकते हो आप आसमान बिल्कुल साफ है. बोरिंग डे है, बोरिंग डे. रात को क्या चमक रहा है, गुन्नू का सर चमक रहा है रात को. ए गुन्नू, ये रात को तेरा सर चमक रहा है इतना. ये देखो ये चमक रहा है हमारे गुन्नू बेबी का. गुन्नू करो पर ऐसे बात क्या, वो काना कैसा, काना काना कैसे, काना कैसा. ए गुन्नू यहाँ पर हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस. Yeah, well, hello guys.
कैसे हो? ठीक हो? हेलो गाइस, आई लव यू, आई लव यू, ऐसे भी कर, गाइस आई लव यू, आई मिस यू, आई मिस यू, ये बात नमस्ते सानी। हेलो गाइस, मैं दुल्हन बन गई। तो गाइस मैं दुल्हन बन चुकी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आए ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।